गया के अलावा इन तीर्थ स्थलों पर भी होता है श्राद्ध तर्पण। प्रतिवर्ष भाद्रपद के महीने की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होता है, जो अश्विन महीने की अमावस्या तिथि को समाप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे मृत पूर्वज या पितर इस धरती पर आते हैं और हमसे पिंडदान और तर्पण की आशा करते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है, जिससे उनकी सद्धति होती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। वैसे तो पितृपक्ष में गया में श्राद्ध करने का अत्यधिक महत्व माना जाता है, लेकिन गया के अलावा भी देश में कई पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ पर पिंडदान और तर्पण करने से बहुत पुण्य होता है और ऐसा करने से हमारे पितरों की आत्मा को भी बहुत सुख शांति और सद्धति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं उन प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में। हरिद्वार। हरिद्वार गंगा तट पर बसा हुआ अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि हरिद्वार में नारायणी नामक एक प्राचीन शिला है, जहां पर श्राद्ध तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मथुरा। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यह अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पर यमुना नदी के तट पर मृतक और पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है और उनके कल्याण के लिए मंत्रों का जाप भी किया जाता है, जिससे पूर्वज लोग काफी प्रसन्न होते हैं। उज्जैन। मध्य प्रदेश का उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर शिप्रा नदी के तट पर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है, जिससे उन्हें काफी संतुष्टि मिलती है। प्रयाग। प्रयाग एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम माना जाता है। संगम स्थल को बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद किसी आत्मा को जिन कष्टों को भुगतना पड़ता है, अगर यह श्राद्ध तर्पण कर दिया जाए तो उन कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अयोध्या। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है और यह पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर भातकुंड नामक स्थान है, जहाँ पर हिंदू लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण हवन अनुष्ठान करते हैं, जिसे पितरों को बेहद खुशी मिलती है। वाराणसी। वाराणसी गंगा के किनारे स्थित अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यह भगवान शिव की नगरी है। यहाँ पर काशी में गंगा तट पर मृत पूर्वजों और पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण मंत्र जाप हवन कराया जाता है, जिसके करने से हमारे पूर्वज काफी प्रसन्न होते हैं। जगन्नाथ पुरी। पूरी उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट पर स्थित है। यह जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इसे चार धामों में से एक माना जाता है। यहाँ महानदी और भार्गवी नदी का संगम है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है, जहाँ पर पिंडदान का अत्यंत महत्व है। यहाँ पर पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को बेहद शांति मिलती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।